उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा पोषित साहित्यार्चन हिंदी विभाग एवं गोरखनाथ साहित्यिक केंद्र दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में स्वाधीनता संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए महाविद्यालय में गोरखनाथ साहित्यिक केंद्र व भारत का स्वाधीनता संघर्ष एवं हिंदी पत्रकारिता की भूमिका पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से विद्वान शोध छात्र के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा, संगोष्ठी के माध्यम से ज्ञात अज्ञात जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने पत्र व पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय समाज की प्रसार चेतना में अपनी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से निभाई थी, उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा, शिक्षा संस्कृति आचार्य सिद्धार्थ शंकर जी मंच पर हमारे बीच है, हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। अपने बीच मेरे बड़े भाई लेकिन मित्रों व्यवहार रखने वाले डीसीएस के महाविद्यालय नवनाथ भंजन के मेरे साथ ही नियुक्त प्राचार्य संघ विचारधारा के संगठनों में कार्य करने का जिनका लंबा अनुभव, संप्रति स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक के नाते उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले आदरणीय प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी मंच पर हमारे बीच है, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। टी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर प्रतीश दुबे जी, ये जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में और दुनिया में मनाया जा रहा है, उसी के क्रम में हमारे महाविद्यालय में गोरखनाथ साहित्यिक केंद्र एक प्रकल्प चलता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के माध्यम से। उसी प्रकल्प के द्वारा भारत का स्वाधीनता संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता की भूमिका, इस विषय पे एक दिवसीय सेमिनार है, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों से विद्वज्जन शोध छात्र और सेमिनार के प्रतिभागी आए हुए हैं और हमारा महाविद्यालय इसका आयोजन कर रहा है। इसमें जो ज्ञात अज्ञात जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय सामाजिक चेतना के प्रसार में अपनी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निभाई थी, उनको महत्व देते हुए इस वक्तव्य को हम लोग आज आयोजित किए हुए हैं।